कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ पापड़ी यानी कि सुखड़ी की रेसिपी। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये बहुत ही जल्द बन जाती है। आटा, घी और गुड़ से बनने वाली ये मिठाई खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और अभी यहाँ पर मैंने एक कप घी लिया है, वो कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखिए और घी को मेल्ट होने दीजिए। और यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है और अभी हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। लगातार इसको मिक्स करना है, बीच में बिल्कुल रुकना नहीं है। अच्छी तरह से चलाते जाइए और गैस का फ्लेम स्लो ही रखिए। आटे को घी में हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। 10 से 12 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। जैसे जैसे आप आटे को सेकते जाएंगे वैसे ही आटे की अच्छी खुशबू आने लगेगी। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और अच्छी तरह से हम चलाते जाएंगे। अभी हम एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे और प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अभी इसको साइड में रख देंगे और अच्छी तरह से हम आटे और घी को मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे आटे का कलर चेंज हो चुका है और हमारा आटा अच्छी तरह से रोस्ट भी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे, कढ़ाई नीचे उतार देंगे। कढ़ाई नीचे उतार के लगातार हम इसको हिलाते जाएंगे और अभी हम इसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया है, उसको बारीक कट कर लिया है, वो भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसको भी अच्छी तरह से हम लगातार हिलाते जाएंगे। लगातार हिलाते जाइए, बीच में बिल्कुल रुकना नहीं है। 2 से 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से लगातार इसको चलाते जाएंगे और आप देख सकते हैं हमारा गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और अभी हमने जो प्लेट ग्रीस की है उसमें हम गुड़ पापड़ी डाल देंगे। फटाफट डाल दीजिए क्योंकि इसको ठंडा नहीं होने देना है। और अभी हम इसको सेट करेंगे। स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से इसको सेट कर लीजिए। अच्छी तरह से प्रेस करते जाइए और इसको सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्पून ली है, उससे मैं इसको सेट कर रही हूँ। सब बाजू से स्मूथली सेट कर लीजिए। थोड़ा सा प्रेस करते जाइए और सेट कर लीजिए। ऊपर से आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रेडी हो चुकी है, अभी हम इसके पीसेस करेंगे। आप अपने हिसाब से आपके मनपसंद से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारे पीसीस हो चुके हैं, अभी हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी गोल पापड़ी यानी कि सुखड़ी बनके रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको क्लिक भी कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you.